नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे स्टडी चैनल में जिसका नाम है rules.com। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपसे बात करने वाला हूँ पायरोमीटर्स के बारे में। तो पायरोमीटर्स होते क्या है, इसका बेसिकली कंसेप्ट क्या है और इसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और ये सबको आप इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कंसेप्ट से। पायरोमीटर एक बेसिकली एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, जो कि एक ये जो पायरोमीटर होता है वो किसी भी एक वस्तु को फिजिकली कांटेक्ट न करते हुए उसका टेम्परेचर बता देता है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है इस पायरोमीटर का। तो पायरोमीटर का जो ये सभी ऑपरेशन होता है वो थर्मल रेडिएशंस पे निर्भर होता है। तो रेडिएशन पायरोमीटर वस्तु के जो उत्सर्जित होने वाली जो ऊर्जा होती है उसे मापता है और हमें उसका टेम्परेचर बता देता है। और ये जो ऊर्जा उससे निकलती रहती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर देखिए पायरोमीटर्स के बेसिकली तीन प्रकार पड़ते हैं। वहाँ पर है फर्स्ट रेडिएशन पायरोमीटर्स, दूसरा है इंफ्रा रेड पायरोमीटर्स एंड तीसरा है ऑप्टिकल पायरोमीटर्स। तो ये जो पायरोमीटर्स यूज़ होते हैं ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में, घर पे तो हम यूज़ नहीं कर सकते तो ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म लिक्विड्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सॉलिड्स भी हो सकते हैं और वेपर्स होते हैं, तो उनका जो टेम्परेचर मेजरमेंट करना पड़ता है। तो वहाँ पर अगर हम थर्मोकपल्स, थर्मिस्टर्स और थर्मोमीटर अगर हम वहाँ पे यूज़ करें तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी ड्यू टू उसके हाई टेम्परेचर की वजह से। तो वहाँ पर ये पायरोमीटर्स हम यूज़ कर सकते हैं और ये यूज़ होते ही रहते हैं। तो ये पायरोमीटर आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम निकाली हुई है यहाँ पर। तो ये एक हॉट बॉडी है, फॉर एग्ज़ाम्पल लिक्विड समझो, तो उस लिक्विड से जो ऊर्जा निकल रही है, गर्मी निकल रही है, वो इस रेडिएशन थर्मल रेडिएशंस के फॉर्म में निकल रही है और इस लेंस के थ्रू ये सभी रेडिएशंस इस ब्लैक बॉडी पर आ रहे हैं और इस ब्लैक बॉडी का कनेक्टेड है एक पीएमएमसी मीटर, जो कि उस हॉट बॉडी की टेम्परेचर हमें इस पे इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो उत्सर्जित गर्मी होती है थर्म हॉट बॉडी की, ये उसकी गर्मी थर्मल डिटेक्टर पर केंद्रित हो रही है और जो एक संपूर्ण ब्लैक बॉडी है, और यह उस पर गिरने वाले सभी गर्मी को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसे हमें डिटेक्ट करके बता रहा है। तो अगर हम इसे एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो ये ऐसा इक्वेशन आपको दिखाई पड़ेगा, जो कि है क्यू बी इज इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4 वेबर्स पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सिग्मा एक बोल्ट्समैन कांस्टेंट है, जो कि उसकी वैल्यू जो है वो 57.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 है वेबर्स पर मीटर स्क्वायर, और टी टू द पावर 4 मतलब ये टेम्परेचर के लिए। तो अगर हम इस ब्लैक बॉडी से इस हॉट बॉडी की रेडिएशंस पर उसकी गर्मी पर इक्वेशन लिखे तो उसका इक्वेशन आएगा कुछ इस तरह से, जो कि है क्यू बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, और यहाँ पर जो ये टेम्परेचर आएगा वो आएगा डिग्री केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो ये डिग्री केल्विन में ही सफिशियंट होगा, तो ये डिग्री केल्विन में ही यूज़ करते हैं। तो ये हुआ एक बेसिक कंसेप्ट अबाउट पैरामीटर्स। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करिए और ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।